हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉयट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से आप सभी के लिए प्योर iOS इंस्पायर्ड थीम्स लेकर आ चुका हूं, जो आपको ट्राई करना चाहिए आपके रेडमी एंड पोको फोन में। अगर आपके फोन में हाइपर OS रन हो रहा है और आप ट्राई करना चाहते हो कुछ iOS इंस्पायर्ड थीम्स, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप सभी के लिए एक स्पेशल थीम वेट कर रहा है। तो बिना देरी किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो का जो पहला थीम है ना, बहुत तगड़ा एक iOS इंस्पायर्ड थीम है, और इस थीम के अंदर एक खासियत भी छुपा हुआ है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर देखो, होम स्क्रीन बहुत ही अच्छा iOS इंस्पायर्ड होम स्क्रीन देखने को मिलता है। वॉलपेपर मैंने अलग से चेंज किया है, इस वॉलपेपर का लिंक आपको मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो होम स्क्रीन में। और यहाँ पर आइकन्स का डिजाइन भी देखो, बहुत ही बढ़िया iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलता है। कोई देख कर बोल ही नहीं सकता है कि आप एक एंड्रॉइड फोन यूज़ कर रहे हो। बहुत ही अच्छा होम स्क्रीन देखने को मिलता है। और सबसे तगड़ा चीज़ जो मुझे लगा ना इस थीम का, वो है लॉक स्क्रीन के ऊपर। जरा लॉक स्क्रीन देखो, बहुत ही अच्छा डायनामिक इफेक्ट देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में। और यही नहीं, लॉक स्क्रीन में आप दो डिफरेंट वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं। और भी अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है ना, तो लेफ्ट साइड में देखो एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आप अलग अलग ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। बबल इफेक्ट हो गया, डायनामिक इफेक्ट हो गया, यहाँ तक कि विजेट स्टाइल भी आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप इनेबल कर पाओगे। तो बहुत ही तगड़ा लॉक स्क्रीन में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो आप ट्राई जरूर करना इस थीम को। और ये वाला थीम दो थीम यूज करके कस्टमाइज किया है खास आप सभी के लिए। तो पहला थीम का नाम है बेटोक गिटेर। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो माफ करना। तो ये थीम सर्च करके डाउनलोड करना ऑफिशियल थीम स्टोर में, उसके बाद कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करना, और जितना भी ऑप्शन है सबको टिक करके आपको अप्लाई करना है। ये हो गया पहला काम। सेकेंड थीम का नाम है नाइट मिल्की वे। ये थीम भी आप ऑफिशियल थीम्स में सर्च करके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, और यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है ऑप्शन है ना, इसको ही टिक करो और पूरा अप्लाई कर दो। ये थीम आपके लिए रेडी हो जाएगा। और हाँ, बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है उसको डाउनलोड करके अप्लाई जरूर करना, तभी आपके लिए एक न्यू iOS इंस्पायर्ड थीम रेडी हो जाएगा। बाकी ये थीम आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो का सेकेंड थीम भी एक बहुत ही मस्त iOS इंस्पायर्ड थीम है, खास करके उन सभी दोस्तों के लिए जो डार्क थीम ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि डार्क iOS इंस्पायर्ड थीम ट्राई करना चाहते हैं। और इसके अंदर भी कुछ खासियत छुपा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इस थीम का होम स्क्रीन देखो, बहुत ही बढ़िया होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, आईफोन स्टाइल होम स्क्रीन। बैकग्राउंड में एक आईफोन का वॉलपेपर है, वो भी डार्क वाला वॉलपेपर, और ये मैंने अलग से चेंज नहीं किया है, व्हाइट डिफॉल्ट ही आपको देखने को मिलेगा इस थीम के साथ। जरा आइकन्स का डिजाइन भी देखो, बहुत ही बढ़िया प्योर iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलता है इस थीम के अंदर, जो मुझे काफी बढ़िया लगा ये सभी आइकन्स। और इस थीम के अंदर सेटिंग्स भी देखो, बहुत ही अच्छा सिंपल सेटिंग्स देखने को मिलता है। आइकन्स के डिजाइन, फॉन्ट स्टाइल डिजाइन देखो, कितना अच्छा प्योर क्लीन देखने को मिलता है सेटिंग्स, बिल्कुल आईफोन जैसा। और सबसे अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन दोस्तों काफ़ी मस्त लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग आईफोन जैसे विजिट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर आप स्लाइड करोगे इस तरह से तो अलग अलग विजिट्स ऑप्शन भी देखने को मिलता है। जरा एनिमेशन देखो, कितना बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में। और ये वाला थीम भी दो थीम को यूज़ करके कस्टमाइज किया है खास आप सभी के लिए। पहला थीम का नाम है रियलियोक्स 13 डुअल। ये थीम आप ऑफिशियल थीम स्टोर में सर्च करो, इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सबको टिक करके अप्लाई करो। सेकंड थीम का नाम है मोरांडी लाइट डार्क। ये थीम भी आप डाउनलोड करो, कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करो, यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है उसको टिक करना और पूरा अप्लाई करो। देखोगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक iOS इंस्पायर्ड थीम रेडी हो चुका है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि ऐसा ही थीम्स एंड एंड्रॉइड एप्स रिव्यू करते रहता हूं इस चैनल पर, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। गाइस, नेक्स्ट जो थीम है ना, एक बहुत ही अमेजिंग iOS इंस्पायर्ड थीम है, और इस थीम की लॉक स्क्रीन में बहुत ही यूनिक डायनामिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख सकते हो होम स्क्रीन, बहुत ही मस्त आईफोन स्टाइल होम स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पर बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर देख सकते हो, ये मैंने अलग से चेंज किया है, थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करना पड़ता है यार। और इस वॉलपेपर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आइकन्स भी देखो, बहुत ही मस्त iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग्स भी देखो, बहुत ही अच्छा सिंपल सेटिंग्स देखने को मिलता है। आइकन्स के डिजाइन, फॉन्ट स्टाइल भी बहुत ही अच्छा प्लेन दिखाई देते हैं, जो आप देख सकते हो। और सबसे तगड़ा चीज दिखाता हूँ, वो है इस थीम की लॉक स्क्रीन में बहुत ही अमेजिंग डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको लोटस का लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पर जैसे इस तरह से स्लाइड करोगे या फिर टच करोगे, तो यहाँ पर दो डिफरेंट वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो, वो भी लाइव वॉलपेपर।
ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा। अगर आपको कुछ विजेट्स भी चाहिए आईफोन स्टाइल विजेट्स लॉक स्क्रीन में, तो इस तरह से आपको स्लाइड करना है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आईफोन स्टाइल विजेट्स भी। और ये थीम भी दो थीम यूज करके आप सभी के लिए कस्टमाइज किया है। तो पहला थीम का नाम है PACI, ये थीम भी आप डाउनलोड करो थीम स्टोर से, कस्टमाइज ऑप्शन पे टैप करो और जितना भी ऑप्शन आप देख पा रहे हो सभी ऑप्शन को टिक करके अप्लाई करो। सेकंड थीम का नाम है ग्रीन लोटस लीव्स, तो इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है उसी को टिक करके अप्लाई कर दो, बस उसके बाद का ये थीम आप इंजॉय करो। आई होप ये थीम भी आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, यही तो कुछ बेस्ट iOS इंस्पायर्ड थीम्स जो आप ट्राई करना आपके रेडमी एंड पोको फोन में। इनमें से कौन सा थीम आपको ज्यादा अच्छा लगा है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको न्यू हाइपर ओएस थीम ट्राई करना है तो लेफ्ट साइड बिट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको हाइपर ओएस थीम्स का पूरा फुल प्लेस देखना है तो राइट साइड ब्रिज पे क्लिक कर सकते हो। आप सभी के लिए बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।